हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके ही अपने चैनल में, जहाँ पर मैं आपको दूंगा ड्रीम इलेवन की टीम एंड टिप्स। चलो दोस्तों, तो देखते हैं आज का जो मैच होगा बीपीएल का, वो खेला जाएगा रंगपुर राइडर्स और कोमिला विक्टोरियंस के बीच में। मैच के आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, हमारा कल का रिजल्ट देखते हैं। कल के हमारा रिजल्ट देखिए दोस्तों, आप जाकर वीडियो देख सकते हैं। हमने जो प्रेडिक्ट किए थे चेंजेस, साउदी खेलेंगे, वैसा ही हुआ है। मनीष पांडे भी इन हुए थे, हमने प्रेडिक्ट किया था कि मनीष पांडे को चांस मिल सकता है। तो अगर अपने लिए हो गए, आप जीते हो गए, तो आपके कॉन्ग्रेचुलेशन दोस्तों। तो मैं आपको ऐसे ही टीम एंड न्यूज़ बताता रहूँगा दोस्तों। कन्फर्म न्यूज़ नहीं होती, लेकिन प्रेडिक्शन रहता है पूरा। एक प्रेडिक्शन बनाता हूँ मैं, मुझे क्या लगता है वो बताता हूँ। बीपीएल की न्यूज़ आती है दोस्तों, मैं आपको कमेंट्स में बता दूंगा, इसलिए सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक करें। मैं लास्ट आधा घंटा में आपको कमेंट करके बता दूंगा कि ये प्लेयर खेलने वाले, ये प्लेयर नहीं खेलने वाले। तो चैनल के साथ बने रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों देखते हैं टीम। तो आज का मैच होगा रंगापुर राइडर्स और कोमिला विक्टोरियंस के बीच में। हमारे पास विकेट कीपर के लिए तीन चॉइसेस है, कुशल परेरा, मुंबन मिथुन। तो रंगापुर राइडर्स में बहुत चेंजेस हो सकते हैं दोस्तों, तो हम सब टीम बनाएंगे। छोटे ग्रैंड लीग से बड़ी नहीं बनाएंगे, स्मॉल लीग के लिए टीम बनाएंगे। ग्रैंड लीग के लिए मैं आपको माफ कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको सब दे दूंगा, मेंशन कर दूंगा, आप उसी हिसाब से टीम बना सकते हैं दोस्तों। तो देखो कीपर में तीन चॉइसेस है, हम लीग के लुक रोम की हो, क्योंकि उन्होंने कल बहुत अच्छा फॉर्म दिखाया था दोस्तों, और ओपनिंग कर रहे हैं। ओपनिंग करने के साथ बड़े लंबे अच्छे हिट लगाते हैं, और बहुत अच्छे कीपर भी है जो हमको अच्छे पॉइंट दे सकते हैं दोस्तों। मुंबई में तुम तीन नंबर पर बैटिंग करते हैं दोस्तों, तो उनको लेना भी अच्छा होगा। लेकिन लुक रोम की एक बढ़िया फॉरेनर प्लेयर है, तो हम लुक रोम की को लेंगे। बैट्समैन में हमारे चॉइसेस बढ़ जाते हैं दोस्तों। बैट्समैन में हमारे पास सौम्य सरकार, हम लेंगे सौम्य सरकार। मुनावीरा, कल का मैच देखा होगा दोस्तों आपने, तो पता होगा मुनावीरा चार नंबर पर बैटिंग करने के लिए आए थे। तो देखेंगे हम लेंगे मुनावीरा, साफिर नफीस एक अच्छी चॉइस है। हम लेंगे चार्लेस, वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर, बहुत लंबे अच्छे हिट लगाते हैं दोस्तों। पर जो दोस्तों ऐसे प्लेयर पिक कीजिए जो श्योर शॉट हो, डाउटफुल प्लेयर पिक करके प्लेयर नहीं खेले तो लॉस हो सकता है, इसलिए श्योर शॉट प्लेयर लेंगे हम। अनामुल हक अगर कोलैप्स होता है, तो अनामुल हक टीम को मजबूती देने के लिए बहुत अच्छे प्लेयर है दोस्तों। आपको लेना है तो मुनावीरा ले सकते हैं आप दोस्तों यहाँ से, अगर नहीं लेना है तो छोड़ दो, लेना है तो मैं बता दूँगा आपको किसे ड्रॉप करना है। ऑलराउंडर में हमारी चॉइस होगी रवि बोपारा, जो कि चार ओवर डालेंगे और चार नंबर पे बैटिंग भी करेंगे। तीसरा परेरा, चार ओवर, पांच नंबर पे आते हैं, बहुत बड़े लंबे लंबे हिट लगाते हैं। तीसरी चॉइस हमारे होंगे, रुकिए दोस्तों अभी नहीं देखते, हम बॉलर पिक करके आते हैं। तो हमारे बॉलर में रहेंगे लसित मलिंगा, टस्किन अहमद, जो कि कल के मैच में फैल गए थे, लेकिन आज अच्छा कर सकते हैं दोस्तों, मुझे ऐसा मेरा खुद का ओपिनियन है। टस्किन अहमद, सुभाषिस रॉय, जिन्होंने दोनों विकेट लिए थे दोस्तों, एक अकेले बॉलर थे जिनको दो विकेट मिले। हमने यहाँ से पिक कर लिए दो बॉलर, ओके दोस्तों। तो हम यहाँ से लेंगे मशरफ मोतरजा, तो हमें अब एक प्लेयर लेना है, तो हम देखते हैं कौन आता है। आप सिकंदर राजा के साथ भी जा सकते हैं अगर आपको चाहिए दोस्तों। सिकंदर राजा ने कल अच्छी ओवर डालेंगे, लेकिन हो भी सकता है कि उनको मौका ना मिले, उनको बाहर किया जाए, लेकिन खेल भी सकते हैं, कुछ कोई बता नहीं सकते। आपको मैं लास्ट आधा घंटे में न्यूज़ दे दूंगा, कमेंट में देख लीजिएगा, मैं कमेंट पिन कर दूंगा। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम लेंगे दिलशान मुनावीरा, अगर आपको दिलशान मुनावीरा लेना चाहिए तो आप मिसबाह-उल-हक ले सकते हैं दोस्तों। मिसबाह-उल-हक एक अच्छे प्लेयर है, लेकिन ठीक तरह से कल खेल नहीं पाए थे, उनको बैटिंग मिली लेकिन वो स्कोर नहीं कर पाए, टेस्ट मैच समझ कर टेस्ट खेलते रहे। तो दोस्तों ये देखिए, ये है टीम, हमारी टीम ऐसी बनती है। अगर आपको लगता है कि मुनावीरा नहीं चाहिए, तो आप मुनावीरा की जगह नाफीज वगैरह ऐड कर सकते हैं। तो ये रहेगी आपकी टीम, कैप्टन हमारे रहेंगे, कैप्टन और वाइस कैप्टन बहुत बड़ी अच्छी चॉइस होनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि यही प्लेयर होते हैं जो हमें जीता देते हैं। तो हम देखेंगे कैप्टन और वाइस कैप्टन, तो हमारे कैप्टन में, हमारे पास कैप्टन में बहुत सारे चॉइसेस है। एक रवि बोपारा, तीसरा परेरा, बहुत अच्छा चॉइसेस रह सकते हैं दोस्तों आपको लगाने हैं तो आप उनको पिक कर लीजिए। अगर नहीं लेना है उनको तो लसित मलिंगा एक अच्छी चॉइस है, लेकिन वो सिर्फ चार ओवर करेंगे, विकेट मिले तो अच्छे, नहीं मिले तो फैल जा सकते, पॉइंट नहीं दे सकते, इसलिए हम लगाएंगे कैप्टन तीसरा परेरा को, कैप्टन हम पिक करेंगे, क्योंकि बहुत अच्छे गेंदबाजी भी करते हैं और लंबे लंबे हिट भी लगाते हैं। और हमारे वाइस कैप्टन रहेंगे सौम्य सरकार।
तो एक बार स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा दोस्तों, ये टीम लिख लीजिएगा, स्मॉल लीग के लिए लगाएगा, सेफ खेलिएगा, ये रहेगी अपनी टीम। ग्रैंड लीग के लिए कोई चेंजेस हो गए तो मैं आपको मेंशन कर दूंगा कमेंट में। लास्ट आधा घंटा आकर एक विजिट दे के जाइए दोस्तों, वहाँ पर कमेंट होगी, मैं पिन कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन पढ़ लीजिएगा, वहाँ पर मैं न्यूज़ बता दूंगा। तो थैंक यू दोस्तों, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिए दोस्तों। ये मेरा सेकेंडरी अकाउंट है, इसलिए मैं यहाँ पर बैलेंस नहीं रखता हूँ दोस्तों, यहाँ से ज्वाइन नहीं करता हूँ, सिर्फ आपको टीम देता हूँ। मेरा प्राइमरी अकाउंट दूसरा है, तो इसलिए मैं यहाँ से सिर्फ आपके लिए टीम बनाता हूँ। थैंक यू।